हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन के लिफाफों पर कई वर्षों पहले पूर्णतया प्रतिबंध लग चुका है। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। बावजूद इसके कई वर्षों पूर्व प्रतिबंधित किए गए प्लास्टिक के लिफाफों में शरेआम लोगों को सामान भर कर दिया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस पर चेक रखने के लिए 15 विभागों को कार्य दिया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। सोलन जिला प्रशासन कुंभकर्णिया निद्रा में लीन है। सरकारी नियमों कानूनों से भी प्रशासन अनभिज्ञ दिखाई दे रहा है। जो पॉलीथीन की बात है, पॉलीथीन को चेक करने के लिए इसको ऊपर नियंत्रण रखने के लिए 15 के करीब विभाग ऑथराइज किए गए हैं। सभी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हम भी जब चेकिंग करते हैं तो हम भी बाजार में देखते हैं, अगर पॉलीथीन कहीं पाया जाता है तो उसके हम चलान करते हैं। ऐसा है, जितना मेरे डिपार्टमेंट से हो रहा है हम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेरा ही विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, बाकी जो विभाग सरकार ने ऑथराइज किए हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने अपने स्तर पे सभी कार्यवाही कर रहे हैं। हम जाते हैं, मेरा क्षेत्रीय अधिकारी जाता है और अगर मौके पर पॉलीथीन पाया जाता है तो उसको जब्त कर लिया जाता है और वहाँ उसका चलान किया जाता है, नियमों के मुताबिक उसको जुर्माना किया जाता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।